Hi guys, this is Pragya Singh and welcome back to my channel. Guys, हम Python lecture series का 7th chapter पढ़ रहे थे जिसमें हम file handling सीख रहे थे. File handling के last previous video में आपने देखा था write line का concept कि किस तरीके से हम multiple lines को print करवा सकते हैं. ठीक है, ओके. अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यदि हमें single line print करानी तो कैसे कराएंगे, multiple lines print करानी तो कैसे कराएंगे, ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैंने आपको बताया भी था कि हम इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं कि ये जो भी हमने लाइंस लिखी हैं वो हमारी फाइल में सेव हुई है या नहीं हुई. तो उसके मैंने कंडीशंस बताई थी कि आपको सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम को रन करना होगा. तो मैंने रन करके दिखाया था, दोबारा से बताती हूँ. कंट्रोल एस के साथ सेव किया है और F5 के साथ से रन कर रही हूँ. तो मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है. पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको प्रोग्राम को रन जरूर करना है फाइल हैंडलिंग में. फिर आपका ये डाटा उस पर्टिकुलर फाइल में जाके स्टोर हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना है. तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करते थे, आप फाइल में जाइए, देन ओपन पे जाते थे, देन आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल देखिए और फिर यहाँ पे आके हमारी फाइल का नाम क्या है, नेम्स नाम है. तो फाइल ओपन हो रही है. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम ये अननेसरी काम क्यों करें कि हम बार बार फाइल ऑप्शन पे जाएं, फिर ओपन पे क्लिक करें, फिर अपनी फाइल को ओपन करें. हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है. क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये जो डेटा है जो फाइल के अंदर लिखा हो चुका है, फाइल के अंदर तो लिखा हो जाए, साथ ही साथ में जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो ये डाटा मुझे आउटपुट स्क्रीन पर भी मिल जाए. फाइल पे तो स्टोर हो, फाइल में स्टोर होने के साथ साथ वो मुझे इधर आउटपुट स्क्रीन पे भी मिल जाए, ताकि मेरा जो अननेसरी का काम है वो बच जाए. ठीक है, क्योंकि फाइल को ओपन करना, फिर फाइल सेलेक्ट, टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उस पर डबल क्लिक करते हैं. ओके, तो इस टाइम को बचाने के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना कंसेप्ट जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रीड नाम का कंसेप्ट है, फाइल हैंडलिंग की सेकंड पार्ट है, उसमें सिखाया था. ठीक है, लेकिन हमने तब अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे, यानी राइट का अलग बनाया था, रीड का अलग बनाया था. ठीक है, आज हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि फाइल को राइट भी कैसे कर सकते हैं और रीड भी कैसे कर सकते हैं. ओके, सो आइए देख लेते हैं गाइस कैसे एक ही प्रोग्राम में हम फाइल को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए गाइस, इतना प्रोग्राम तो आपने बना लिया है और इतने प्रोग्राम से आप समझ गए जब आप इसको रन करेंगे तो एक फाइल तैयार होगी, फाइल के अंदर वो डाटा लिखा हुआ हो जाएगा. हम क्या चाहते हैं कि जब हम रन करें अपना प्रोग्राम तो जो फाइल के अंदर डाटा है वो हमको वहीं के वहीं दिख जाए, ताकि हमको अननेसरी ओपन पे जाके फाइल को ओपन ना करना पड़े, है ना, इतना हमें काम ना करना पड़े. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट देखिए सेम है. आपको मैंने रीड फाइल का कंसेप्ट सिखाया था, वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना होगा. यानी इस तरीके का प्रोग्राम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि हम राइट और रीड दोनों के प्रोग्राम को एक ही फाइल में भी लिख सकते हैं. आइए देख लेते हैं कैसे लिखते हैं. देखिए, आपको चाहे फाइल रीड करना हो, अपेंड करना हो या राइट करना हो, आपको एक मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता तो होगी, जो कि मैं F नाम का यहाँ पर ले लेती हूँ. उसके बाद आप जानते हैं कि हमें ओपन फंक्शन लिखना होता है. ठीक है, रीड राइट अपेंड, आपको वट एवर जो भी काम अपनी फाइल में करना है उसके लिए आपको ओपन फंक्शन लिखना होगा. ओपन फंक्शन के अंदर फिर हमें क्या लिखना होता है, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमको उस फाइल का नाम लिखना होता है जिस फाइल का डेटा हमको चाहिए, है ना. यदि हमें राइट करना है तो जिस फाइल में राइट करना है उसका नाम लिखो, यदि रीड करना है तो जिस फाइल से रीड करना है उसका नाम लिखो. तो हमने यहाँ पर उस फाइल का नाम लिख दिया, नेम्स डॉट टी एक्स टी. ओके, देन यहाँ पे कॉमा किया और कॉमा करके हमने बता दिया कि तुम रीड मोड में हमारी फाइल को ओपन करना, यानी हमारी जो फाइल है उसको हम क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं. तो मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आर लिख दिया, जो कि बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यूज़र है वो फाइल अपनी क्या करेगा, रीड करेगा. ओके, नाउ अब फाइल रीड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये भी पार्ट टू में, फाइल हैंडलिंग के पार्ट टू में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. आपको प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो उसे ज़रूर देखिएगा. ठीक है, उसमें मैंने अच्छा समझाया कि हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, कैसे हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, कैसे एड्रेस वर्क कर रहे हैं इस पर, वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट टू में आपकी कवर की हुई हैं. ठीक है, यहाँ पर हम जल्दी से उस चीज़ को सीख लेते हैं. ठीक है, रीड मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद सेकंड टाइम आपको एक मेमोरी लोकेशन लेना होगा. सपोज मैंने वो मेमोरी लोकेशन ले लिया फाइल डेटा के नाम से, आपको इसे मेमोरी लोकेशन बना, कोई दिक्कत नहीं है.
फाइल डेटा के नाम से एक मेमोरी लोकेशन देना है, इक्वल लगाना है, और उसके बाद आपको लिखना है एफ डॉट रीड। अब ये लाइन क्यों लिखी है मैं आपको पार्ट टू में अच्छे से बता चुकी हूँ, प्लीज़ आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके ना, अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि हम दोनों प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम में कैसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरी वर्किंग मैं पार्ट टू में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। फाइल डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। अब यहाँ पे आप क्या करिए, प्रिंट प्रिंट और प्रिंट में आप यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए फाइल डेटा। ओके ना, एंटर करिए और लास्ट में फाइल एफ डॉट क्लोज, फाइल को अपनी क्लोज कर दीजिए। ओके नाउ देख लेते हैं अब ये हमारा प्रोग्राम जो हमने एक साथ लिख दिया राइट एंड रीड, ये दोनों काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम, सेव एस नहीं किया है क्योंकि ये मैं मेरा जो प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था हमने कल उसी के ऊपर वर्क कर रही हूँ, ठीक है। आप यदि नया प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्लीज़ को सेव एस कीजिएगा, और मेरी तरह पुराने प्रोग्राम भी वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेव सेव कर दीजिएगा कंट्रोल एस के साथ से, ठीक है ना। एफ आई के साथ से रन करती हूँ अपना प्रोग्राम। देखिए अब मुझे अननेसेसरी फालतू में फाइल को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ गया तो ऐसा नहीं कि फाइल में नहीं गया वो डाटा, ये डाटा फाइल पर भी गया है। आप चाहो तो इसको फाइल की लोकेशन पे जाके ओपन करके भी देख सकते हो, यानी अपनी फाइल को लोकेशन पे जाके देख भी सकते हो, पर हमको इस तरीके से काम ना करना पड़े, इतनी फाइल को बार बार ओपन ना करना पड़े, उसके लिए तो हमने ये प्रोग्राम बनाया। बट फिर भी मैं आपको फाइल भी ओपन करके बता देती हूँ कि फाइल में भी वो डाटा स्टोर हुआ है। देखिए फाइल में भी स्टोर हो गया, तो हमें अननेसरी ओपन पे जाओ, देन फाइल सेलेक्ट करो, फिर डेटा सेलेक्ट करो, फिर अपनी फाइल को सेलेक्ट करो, इस तरीके से काम हमको अब करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पूरा की पूरा आउटपुट स्क्रीन पे हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो आप रीड एंड राइट दोनों के प्रोग्राम एक साथ भी बना सकते हो। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय।